For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. मैं एक्चुअली यही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर आया हूँ और मैं फिल्म देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. इतनी यू नो इतने ट्रेलर्स अच्छे देखे, गाने इतने अच्छे देखे, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म एंड आई थिंक आई एम गोना ट्रूली इन्जॉय वॉचिंग शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. एक्चुअली यू नो तीनों ने जो मैं ट्रेलर देख के जो लगा है, आई थिंक तीनों का अलग कैरेक्टर है एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. सो आई वुड वांट टू वॉच ऑल थ्री ऑफ देम थ्रू द फिल्म. ऑफकोर्स उनकी जो फोटोग्राफी है, वो जो यू नो शॉट टेकिंग करते हैं, उनकी जो स्टोरी लाइन होती है, उनके सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं, आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट एंड दैट इज़ अ यू नो एक्चुअली फॉर द आई इट्स एक्चुअली द बेस्ट थिंग टू वॉच. जी एक्चुअली बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज द थिंग इज़ यू नो आर्ट एक अलग चीज़ है जिसको यू नो सहारना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट समथिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक समथिंग एंड एज एन एक्टर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले अ कैरेक्टर. एंड आई थिंक इन तीनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है विद द डायरेक्टर. सो आई थिंक आर्ट को छेड़ना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, उसको कॉन्ट्रोवर्सी में लेकर में नहीं आना चाहिए. जी अभी बहुत जल्दी पता चल जाएगा, कुछ महीनों में होगी स्टार्ट. सो अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, सो होपफुली यू विल कम टू नो समथिंग वेरी सून. बिल्कुल है इट्स समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डिड इन द लास्ट फिल्म. सो आई थिंक इट्स गोना बी अ सरप्राइज फॉर एवरीवन. थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. इतना ज़्यादा सुना है मूवी के बारे में, बहुत कुछ हुआ है, हम सबको पता है. साल में दिवाली का जैसे इंतजार रहता है, वैसे पद्मावती का इंतजार रहता है. पद्मावत सॉरी करेक्टेड मी. देखो कितना डर डर के सब कुछ हो रहा है. We're very excited to see the film. I've been hearing a lot of things, lot of good things about the film on social handles. Everybody is tweeting about Deepika ma'am's performance, Ranveer Singh's performance, Shahid Kapoor's performance. So I'm really excited to see what exactly is this film all about. क्या है वो राज? ट्रेलर किस तरह से लगा था आपको? हाँ, ट्रेलर किस तरह से लगा था आपको? देखा जाता ट्रेलर काफी, ऑडियंस जो भी थी काफी अप्रिशिएट किया गया था. या मतलब लार्जर देन लाइफ यू नो, और ऐसा कुछ जो अभी तक नहीं देखा. ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू नो संजय लीला भंसाली सर. तो उन्होंने बहुत ही बहुत ज़्यादा मेहनत एज़ यूजुअल फिर से की है
एंड वी आर डेफिनेटली लुकिंग हिंदी सिनेमा को अगर कोई बहुत आगे लेके जा रहा है और आई फील कोई हॉलीवुड के दर्जे तक मैच करा पा रहे हैं तो इट्स संजय लीला भंसाली सर. सो इफ यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ द फिल्म इट्स नो लेस देन अ हॉलीवुड फिल्म. हर एक मूवी देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो नया होता है ऑडियंस के लिए, तो इसके लिए कितने सरप्राइज क्या एक्साइटमेंट क्या है उस चीज के लिए. मुझे मुझे रणवीर सिंह का कैरेक्टर बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, समथिंग ही हैज नेवर डन बिफोर और ये कुछ बहुत ही अलग होने वाला है, तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने राजपूतानाज के ऊपर एक फिल्म बनाई है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू, बिकॉज इससे पहले उन्होंने सब गुजराती कल्चर को रिप्रेजेंट ज़्यादा किया था. सो आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ इट इज़ और जो फाइनल क्लाइमैक्स है दैट मेन सीन ऑफ द फिल्म, आई वॉन्ट टू सी दैट फिल्म लाइक दैट पर्टिकुलर सीन. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. आप भी फिल्म के पार्ट है, जो कंट्रोवर्सी हुई है पिछले दिनों किस तरह से देखते हो उसे देखा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, एक सॉन्ग हो जाए संजय लीला भंसाली के लिए. किस्मत होगी तेरी जब तू नहीं है बात न मानी. इसके अलावा कुछ म्यूजिक वीडियोस भी करने वाले, जितने का भी इंफॉर्मेशन है उसका क्या प्रोग्रेस है. जी एक बहुत जल्दी एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है जिसमें सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, सो वी कैन नॉट शेयर, बट देन बहुत ही अच्छा सरप्राइज से भरा हुआ एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है. आपके फैंस को एक अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है, बहुत अच्छा सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Very excited. I'm very glad that it is going to see the light of the day, and all my good wishes to the entire team, especially to Sanjay. I love Sanjay, and you know he is like Rock Hudson. जितनी तूफान आके उसको टकरा के जा रही, लेकिन वो अभी भी खड़ा बरकरार. I'm very proud of Sanjay. दादा सब हाय. बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत खुश हूँ कि आज फिल्म रिलीज़ हो रही है. सारे ही दोस्त हैं मेरे, रणवीर, दीपिका, शाहिद, संजय सर की फिल्म है, तो ज़्यादा उत्सुक हूँ कि जाके अंदर देखूँ कि क्या मैजिक क्रिएट किया गया. ट्रेलर किस तरह से लगा था आपको ट्रेलर? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. घूमर तो बहुत प्यारा गाना है. एक गाना जब बच्चा बच्चा गाता है तो जानते हैं कि हिट है. तो मेरे घर में जितने ही मेरे नेव्यूज़ नीसेस सब हैं वो बस घूमर पे ही नाचते रहते हैं. तो जाहिर सी बात है कि बहुत पॉपुलर गाना है, लोगों को पसंद आया है. अब मैं जाहिर के ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी होगी, और मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ. तो मैं ज़्यादा से जी हर फिल्म में उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ. मैं जानता हूँ कि वापस हम ऑडियंस के लिए, हम मूवी लवर्स के लिए एक और एक कलेक्टिंग कलेक्टर्स आइटम ज़रूर हमारे पास पेश आएगा. साहू की अपडेट बस यही है कि एक्शन ज़ोरदार चालू है, और बहुत जल्द एक बड़े पैमाने पे हम एक और दूसरा एक्शन सीक्वेंस करने जा रहे हैं. तो जी हाँ, प्रिपेयरिंग फॉर दैट. थैंक यू. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. संजय सर की फिल्म देखने के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होता है. सो मैं भी हूँ, और पद्मावती जैसी फिल्म, सो आई एम रियली पद्मावत जैसी फिल्म, आई एम रियली एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड. अच्छा, कुछ ना कुछ तो नया होता है संजय सर के मूवीज में, तो उसके लिए कितने एक्साइटेड देखा जाता है? संजय सर की हर फिल्म हमेशा एक अलग रही है, हमेशा उनकी तरफ से कुछ अलग ही हम लोगों ने देखा है. सो आई एम श्योर पद्मावत में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. दीपिका इज़ लुकिंग स्टनिंग, एंड एवरीबडी आई एम वेरी श्योर एवरीबडी हैज़ डन अ फैबुलस जॉब, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. ट्रेलर की बात करें, ट्रेलर कितना निभाया आपका सॉन्ग
بہت اچھے ہیں, گانے بہت اچھے ہیں, اینڈ سب کچھ بہت اچھا ہے. ابھی مجھے پکچر دیکھنے دیجیے, پھر میں آپ کو بہت اچھے سے بتا سکتی ہوں کیا کیا اچھا ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. لاٹس آف ایکسائٹمنٹ, بہت ساری چرچا ہوئی ہے, بہت ساری تعریف سنی ہے. اب تو اس خاص کر فلم کی اسٹوری, فلم کی ایکٹنگ, رنویر کی ایکٹنگ پر, اور آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. ٹریلر کی بات کریں تو کتنا لبھایا ٹریلر آپ کو, اور سنجے سر کی مووی کو جو سرپرائز پیکج ہے اس کے لیے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں اس سرپرائز پیکج کے لیے؟ سنجے بنسالی فلمز ہمیشہ, سنجے لیلا بنسالی کی فلمز ہمیشہ مزیدار زوردار ہوتی ہے, اینڈ آئی ایم شیور یہ بھی بہت ٹریلر تو آف کورس تھا ہی مزیدار, پر خاص کر اس فلم کی جو فلمنگ ہے وہ بڑی کمال کی ہے اور بہت تعریف سنی ہے.